हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप दिख रहे हो राजे बीट्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले वीवो V20 के अंदर एक सिस्टम अपडेट आया है। तो गाइस कैसे अपडेट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास Vivo V20। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपका वाईफाई जो आपको कनेक्ट कर लेना है, अगर आप मोबाइल डेटा से करोगे तो भी आपका सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो हो जाएगा। बट एनीवेज आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में दोस्तों जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो सिस्टम अपडेट। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू वर्जन 6.70.46, और यहाँ पे इसकी साइज भी आप देख सकते हो 228 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। और इस अपडेट के अंदर कंपनी ने क्या कुछ चेंजेस किया वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड होने के बाद इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 100% डाउनलोड हो चुका है और वेरीफाइंग लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि हमारा फोन जो अपडेट की प्रोसेस में चला गया है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे Vivo की ब्रांडिंग आ चुकी है, और इसके अंदर लेटेस्ट फनटच OS 12 एंड्रॉइड 12 का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। उसका भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, आई बटन पे आपको वो भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग द अपडेट पैकेज, डोंट प्रेस एनी बटन आफ्टर द अपग्रेड। तो जब भी आपका फ़ोन जो अपडेट की प्रोसेस में होता है तब आपको कोई भी किसी जो प्रेस नहीं करनी, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, यानी कि इस फ़ोन को बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है। तो गाइज यहाँ पे अगेन Vivo की ब्रांडिंग आ चुकी है। और एक बात दोस्तों कि जब भी आप अपना फ़ोन जो अपडेट करते हो तो सिर्फ आपका फ़ोन का सॉफ्टवेयर ही अपडेट होता है, यानी कि आपका डेटा जो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होता। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइजिंग द एप्स, 85 एप्स इसके अंदर जो तेज़ी से ऑप्टिमाइज हो रही है, तो ये प्रोसेस भी अपने आप ही खत्म होती है जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो गाइज फाइनली हमारा फोन जो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अभी रिसेंटली हमने इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया वो कम्प्लीटली हो चुका है। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद हमारा फोन जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोडिंग लेगा। तो दोस्तों आप सेटिंग्स में जाके चेक भी कर सकते हो अभी जो हमने इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया वो कम्प्लीटली हुआ है कि नहीं। तो गाइज यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन देखने को मिल रही थी वो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम अपडेट। तो गाइज जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो चेकिंग फॉर अपडेट लिखा हुआ आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो द सिस्टम इज ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन। तो कुछ इस तरीके से Vivo V20 के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया जाता है। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।